अच्छा, मुझे लगता है जब हमारी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होती है, ऐसे ही मन मुटाव हो जाता है और लोग उस चीज़ को बहुत ही पर्सनली ले लेते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये एक विनिंग गेम है, मेरा पॉइंट प्रूव हो गया तो मैं जीतूंगा। उस चक्कर में हम कभी कभी अपने बहुत अच्छे दोस्त भी खो सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट को आप पॉइंट वाइज क्यों नहीं रख देते? जनरली जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो किसी ना किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण होती हैं, है ना? तो अगर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्यों नहीं हम अपने अपने ओपिनियन एक सभ्यता के साथ सामने रखें एक दूसरे के। पहले एक जन बोल ले अपने पॉइंट्स कि वो जिस भी चीज पे बिलीव करते हैं वो क्यों करते हैं फैक्ट्स के साथ, और दूसरा बंदा फिर अपने पॉइंट्स रख दे। तो अगर आर्ग्यूमेंट करने की बजाय अपने ओपिनियंस आप एक दूसरे के सामने रख देते हैं पूरी तरह से, दूसरे बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करे बिना, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। क्योंकि किसी भी चीज के लिए लड़ने का कोई औचित्य मुझे समझ नहीं आता, और हर एक इंसान अलग तरह से सोचता है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उसने अलग तरह से दुनिया को देखा है। जो लोग साथ में रहते हैं इवन उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो लोग अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। इवन जो पति पत्नी होते हैं जो कि घर में साथ में रहते हैं, या फिर भाई बहन होते हैं, ये लोग जब स्कूल जाते हैं या फिर काम पे जाते हैं तो सब अलग अलग चीज़ें देखते हैं। और घर पे रहने वाले लोग, जो शायद माँ अगर घर पे रहती है तो वो अपनी तरह से अलग तरह से जिंदगी को देखती है, अलग लोगों से मिलती है दिन भर, और आखिर में रात में ये सब लोग घर पे मिलते हैं डिनर पे। और डिनर पे आप मिलते हो तो आप ये जानते हो कि सबकी जिंदगी में, सबके जीवन में दिन भर में कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें हुई। ये ही सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे ओपिनियंस को फॉर्म करते हैं, है ना? तो कुछ मेरी सुनो, कुछ तुम्हारी कहो। हमें किसी की भी ओपिनियन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, और आखिर में हम सब दोस्त ही तो हैं, है ना? प्यार तो फिर भी उतना ही रहेगा, है ना? चाहे सोच अलग हो जाए लेकिन दोस्ती और भाईचारा कभी अलग नहीं होना चाहिए। अपने दिल में ना बस प्यार रखो और अपनी दोस्ती पे भरोसा रखो, अपने प्यार पे भरोसा रखो जो कि आप दूसरे के लिए महसूस करते हो। आपको अपने आप छोटी छोटी जो आर्ग्यूमेंट्स होती है ना वो ना के बराबर लगने लगेंगी। मानो मेरी बात, जस्ट गिव इट अ शॉट। आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को मेरे YouTube चैनल पर। फॉलो दिस वॉइस।